गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिग्दर्शन विद्यास्थान पुरी। टुडे आवर सब्जेक्ट इंग्लिश। बिफोर स्टार्टिंग आवर स्टडी वी विल डू प्रेयर। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। नाउ स्टार्ट स्लो। ओम स्टूडेंट, टेक आउट योर इंग्लिश न्यू टेक्स्ट बुक। हमें न्यू बुक निकालनी है अभी। फोनिक प्राइमर एक्टिविटी करशू। ये हमारी हैंड राइटिंग की बुक कंप्लीट हो गई है, अभी हमें इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इंस्ट्रक्शन पैटर्न फॉर कैपिटल लेटर्स। ये हमारे कैपिटल लेटर का पैटर्न है, ये हमने सीख लिया है, बट हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है और ये हमें कंप्लीट करना है। ओके, पुट योर पेंसिल पॉइंट ऑन थर्ड लाइन एंड गो अप विथ स्लैंट लाइन टिल द टॉप लाइन, कम डाउन विथ स्लैंट लाइन, अगेन गो अप विथ स्लैंट लाइन, कम डाउन, गो अप, कम डाउन, गो अप, लाइन को टच करके। ओके, कम डाउन टिल द थर्ड लाइन, गो अप टिल द रेड लाइन, ऐसे करके इसको हमें कंप्लीट करना है। एंड नाउ नेक्स्ट कर्व, लेफ्ट कर्व। ये कौन सा कर्व है? लेफ्ट कर्व है। इसको हमें टिल थर्ड लाइन तक कर्व करना है। इसको पुट योर पेंसिल पॉइंट ऑन रेड लाइन, मेक अ लेफ्ट कर्व। इसे आपको कर्व बना के इसको लाइन को पूरा कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट कर्व। ये आपको लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से आपको ये लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से कर्सिव हैंड राइटिंग आए। देन ई जैसा पैटर्न है, पुट योर पेंसिल पॉइंट टॉप लाइन, मेक अ स्मॉल कर्व टिल द सेकंड लाइन, अगेन कर्व टिल द थर्ड लाइन। दो बार कर्व बनाने। ओके, मेक अ कर्व सेकंड लाइन, अगेन कर्व टिल द थर्ड लाइन, मेक अ कर्व सेकंड लाइन, अगेन कर्व थर्ड लाइन टिल द थर्ड लाइन। ओके, ऐसे आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट, ये था लेफ्ट और ये राइट के साइड में वैसे ही है, दो कर्व बनाने। ओके, लेफ्ट राइट, लेफ्ट कर्व राइट कर्व, ये राइट कर्व, ये लेफ्ट कर्व। ओके, ये यू जैसा पैटर्न है, दिख रहा है ना आपको? एम कैसा लिखते हैं वैसा पैटर्न है। इसके ऊपर आपको इसे ट्रेसिंग करनी है अच्छे से। पुट योर पेंसिल पॉइंट ऑन थर्ड लाइन, गो अप विद स्लैंट लाइन, थोड़ा सा मोड़ के हमें नीचे लाना है ऐसा, अगेन गो अप ऑन सेम लाइन, थोड़ा राउंड एंड डाउन टिल द थर्ड लाइन, गो अप विथ सेम लाइन एंड थोड़ा राउंड एंड कम डाउन, गो अप सेम लाइन, से राउंड लेकर आपको कंप्लीट कर देना है। ओके, इसको ये ऊपर की साइड से और ये नीचे की साइड से है। ओके, देखो नीचे आना है सेम लाइन के साथ, वापस थोड़ा सा राउंड लेकर कर्व जैसा ऊपर एंड कम डाउन ऑन सेम लाइन कर्व, ऐसे राउंड लेकर देखो सेम लाइन के साथ ही हम नीचे आएंगे, अलग से लाइन नहीं। गो अप, वापस के सेम लाइन के साथ इसे पैटर्न बना देना। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये देखो राउंड। इसकी प्रैक्टिस हम अगर ज़्यादा करेंगे ना, तो हमें हैंड राइटिंग में लिखना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इसे आपको टच करके पैटर्न बनाना है। ओके, ये भी ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो गो अप विथ स्लैंट लाइन, मेक अ लूप, कम डाउन टिल द थर्ड लाइन एंड गो अप विथ टॉप लाइन, क लूप, कम डाउन, गो अप, कम डाउन, ऐसे। नाउ नेक्स्ट दिस पैटर्न, एस के जैसा कर्व लाइन, मेक अ लूप, गो अप विथ स्लैंट लाइन, मेक अ लूप, कर्व लाइन, ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, नाउ
पुट हियर, राइट कैपिटल कर्सू ए टू जेड, ए टू जेड लिखेंगे हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमें ए टू जेड पूरा कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ हम प्रैक्टिस करें एक बार मेरे साथ, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। राइट कैपिटल कर्सू ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी फोर लाइन में, ओके एच आई जे को भी फोर लाइन में लिखते हैं, ओके जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई भी फोर लाइन में, ओके वाई एंड जेड भी फोर लाइन में, ओके जेड, ये आपको ए टू जेड कंप्लीट यहाँ पे भी कंप्लीट करना है। ओके नाउ नेक्स्ट पैटर्न फॉर स्मॉल कर्सू लेटर, ओके पुट योर पेंसिल पॉइंट ऑन थर्ड लाइन, गो अप विथ स्लैंट लाइन, गो अप कम डाउन सेम लाइन, ये सिर्फ दो लाइन के अंदर ही लिखना है, यू जैसा पैटर्न है, टच करके पेंसिल को उठाना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ओके इसे आपको कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट ये ऊपर की साइड से है, इसको आपको पेंसिल को उठाना नहीं होता है, इसके ऊपर ऊपर आपको अच्छे से ऐसे पैटर्न बनाना है। ओके स्टूडेंट, ये आपने सीख लिया है बट आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, ओके इसको फिल करना है पूरा पूरा कंप्लीट करना है आपको, इतना ही नहीं करना है पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। ओके इसको भी ऐसे आपको पूरा कंप्लीट कर देना है पूरा, ओके ये नीचे की लाइन से थर्ड लाइन से स्टार्ट करके नीचे की लाइन को टच करके लिखना है आपको, ओके थर्ड लाइन से स्टार्ट एंड लास्ट लाइन रेड लाइन तक, ये जे स्मॉल जे जैसा पैटर्न है पता है ना आपको, जैसे ये सी जैसा, देखो सी कैसे लिखते हैं हम, से लाइन टू लाइन पेंसिल को आपको ट्राई करना है कि पेंसिल को ऊपर नहीं उठाना आपको, ये ए देखो स्मॉल ए, ए के जैसा पैटर्न है, प्रैक्टिस करनी अच्छे से, ओके ये ओ के जैसा से अच्छे से देखो राउंड टेक आउट यहाँ तक टच अगेन राउंड से टच, ये इसको बार वापस ऐसे राउंड लेकर पूरा राउंड फिर टेक आउट ऐसा, ठीक है एस के जैसा पैटर्न, इसको कंप्लीट देखो ऐसे नीचे लाना फिर वापस ऊपर गो अप ऐसे आपको कंप्लीट करना। ओके नाउ नेक्स्ट स्मॉल कर्सू लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपको घर पर ए टू जेड लिखना है स्मॉल कर्सू लेटर।
यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे. नाउ वी विल राइट हियर ए टू जेड. ओके तो एवरीवन राइट विथ मी. ए स्मॉल कर्सिव टू लाइन में लिखते हैं मोस्ट ऑफ. ओके ए बी बी को थ्री लाइन में, सी डी भी थ्री लाइन में. ओके ई एफ फोर लाइन में देखो, जी नीचे की थ्री लाइन में, एच गो अप विथ स्लैंट लाइन डाउन देखो, एच आई टू लाइन में, जे नीचे की थ्री लाइन में, के ऊपर की थ्री लाइन में, एल एम एन ओ पी फोर लाइन, क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई एंड जेड. ओके स्टूडेंट राइट ए टू जेड. यहाँ पे भी आपको राइट ए टू जेड स्मॉल लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है. ओके आपका होमवर्क पूरा कहाँ से करोगे, पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 9 तक आपको कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट थैंक यू.